साल 1947 में आज़ादी के बाद देश में 12 राज्य थे। उसके बाद कभी भाषा को लेकर तो कभी प्रशासनिक सुविधाओं की वजह से या अन्य कारणों से देश में कई नए राज्य बने। कभी बिहार से अलग होकर झारखंड बना तो कभी उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड। कभी जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया तो कभी दमन व दीव, दादरा और नगर हवेली मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी की खास प्रस्तुति न्यूज दिशा। खैर, अभी इस भूमिका बनाने की वजह यह थी कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती नहीं बल्कि विशाखापत्तनम होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट में हिस्सा लेने गए थे और वहां पर उन्होंने विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे खुद भी विशाखापत्तनम में शिफ्ट होने जा रहे हैं और उन्होंने मार्च में विशाखापत्तनम में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए देश के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों को व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित भी किया। ध्यान दीजिएगा कि साल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। उस वक्त तेलंगाना के हिस्से में 10 ज़िले आए थे, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद भी थी। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ये तय किया गया कि हैदराबाद 10 साल के लिए मतलब साल 2024 तक दोनों राज्यों की साझी राजधानी रहेगी, लेकिन साल 2024 तक आंध्र प्रदेश को अपने लिए नई राजधानी का निर्माण कर लेना होगा। इसके बाद साल 2015 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने का फैसला लिया था। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए निर्माण काम भी शुरू हो चुके थे, लेकिन जब साल 2020 में जगनमोहन रेड्डी की सरकार बनी तो उन्होंने प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए 3 राजधानी बनाने का फैसला लिया। इसके लिए अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल का चयन किया गया, हालांकि बाद में ये फैसला वापस ले लिया गया। अब नए निर्देशानुसार विशाखापत्तनम ही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी। इस पूरे मामले में एक और बड़ा डिबेट चल रहा है कि राज्य की राजधानी को तय करने का फाइनल अधिकार किसके पास है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य की सीमाओं के साथ साथ राजधानी शहर यानी कैपिटल सिटी को तय करने का अधिकार केवल संसद के पास है। विधानसभा केवल एक संकल्प के माध्यम से राजधानी शहर यानी कैपिटल सिटी के मुद्दे पर केंद्र से अपील कर सकती है और अंतिम निर्णय लेना केंद्र का विशेषाधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 संसद को मौजूदा राज्यों की पहचान करने, उसे स्थापित करने या पूरी तरह से बदलने और समाप्त करने के लिए विशेष और पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करते हैं। राज्य का इसमें कोई प्रभावी रोल नहीं होता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि संसद द्वारा गठित एक नए राज्य की राजधानी तय करने का मामला संविधान की अनुसूची 7 की सूची द्वितीय यानी लिस्ट 2 में किसी भी प्रविष्टि यानी एंट्री के अंतर्गत नहीं आता है। केवल संसद ही कानून द्वारा एक नए पुनर्गठित राज्य की राजधानी स्थापित कर सकती है यानी तय कर सकती है। ये विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि किसी राज्य की राजधानी समाज के सभी वर्गों, तबकों, राज्य के निवासियों की ज़रूरतों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के विकास को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। मौजूदा मामले में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद ना ही संसद ने और ना ही वहां की तत्कालीन राज्य सरकार ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए कोई गजट जारी किया। इसके परिणामस्वरूप भ्रम की स्थिति बनी रही। जब एन चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त राज्य विधानसभा ने केवल एक प्रस्ताव पारित किया था और अमरावती को राजधानी शहर घोषित किया, लेकिन वो इसे संसद की मंजूरी दिलाने में विफल रहे थे। इसके बाद जगनमोहन सरकार आई जो अब नए फैसले ले रही है, जो हमने पहले भी आपको बताया। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।